हाय गाइस, तो आज हमारे को एक कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ मोहित जुड़े हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और उनके साथ क्या हुआ ये जानते हैं। तो हाय मोहित, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। प्लीज हमें बताइए अपने बारे में कुछ। हाय मोहित, मेरा नाम मोहित है और ये कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था और मैं नौकरी की सर्च में अपने घर वापस चला गया था। हर दिन हजारों एप्लीकेशन लेटर्स भेजने के बावजूद मेरे को एक भी कॉल वापस नहीं आ रहा था इंटरव्यू के लिए। और इसी बीच मेरे को ताने भी सुनाई देने लग गए मेरे पीठ पीछे कि ये चर्सी क्या ही कर पाएगा, जिंदगी भर बैठ के अपने बाप का खाएगा। ऐसी बातें कई बार मेरे को सुनने को मिलती थी, हाँ, इस सबसे तो हम सब गुजर रखे और मुझे पता है आप कैसा फील किए होगे। लेकिन अब इन सब से हट के ये जॉब ना होने की तनाई मेरे को अब परेशान कर रही थी। हर दिन मेरे मन में एक ही बात चलती रहती थी कि अब क्या करना है, किसको लेटर भेजना है और कहाँ फोन करना है। अगले दिन मेरे ही गांव का एक लड़का मुझे बताया कि बगल वाले शहर में एक वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, उधर जाके इंटरव्यू क्यों नहीं दे आते हो। मेरे को भी उसकी बात सही लगी और मैं अपने घर से साइकिल उठाया और उस शहर की तरफ निकल गया। इंटरव्यू के बारे में क्या ही आपको बताऊं, इंटरव्यू शुरू हुआ, उन्होंने इंग्लिश में सवाल पूछे और इंग्लिश तो मेरे को आती नहीं, तो मैं तो स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो गया। ओह दैट्स सैड। तो मैंने अपने घर पे एक झूठ बोला कि पापा मेरे को जॉब तो मिल गई लेकिन उन्होंने 6 महीने तक इंटर्नशिप पे रखने की बात की है और सैलरी उतनी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद मेरी सैलरी 13,500 रुपये हो जाएगी। अब अगले हफ्ते मैं अपने बगल के शहर में शिफ्ट हो गया। वहां पे दिन के टाइम तो जो भी छोटा मोटा काम मिलता रेस्टोरेंट और होटल में वो करता था और रात के टाइम पे मैं एज अ ड्राइवर जॉब करता था। तो इन सब में बीच में कब आपके साथ एक भूतिया घटना हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। इसी दौरान मेरे को एक दिन एक दूर का ऑर्डर मिला जहां मुझे सुबह 4 बजे एक आदमी को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा के आना था। इसके लिए मैंने उस आदमी को अपने शहर से 6 बजे उठाया और उसके डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा। जैसा मुझे याद आ रहा है, करीब रात 1 बजे मैंने उसको उसकी जगह पे उतारा। उसके बाद जब मैं लौट के वापस आ रहा था, वो आदमी मेरे को कई बार रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप वापस मत जाइए, आप इसी स्टेशन पे ये रात गुजारी और कल सुबह वापस जाइएगा। ये सब सुन के आपके मन में क्या आया? लेकिन मेरे मन में एक ही चीज थी कि मेरे को सुबह 8 बजे अपनी दूसरी जॉब पे पहुंचना होता है और अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरी एक दिन की पूरी पगार काट ली जाएगी। इसीलिए मैं उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने रास्ते की तरफ बढ़ चला। अब मेरे मन में तो एक ही बात चल रही थी कि वो आदमी मेरे को बार बार बोल रहा था कि इस रास्ते में रात पे जाना सेफ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की एक्सीडेंट हो रखी है और कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे उन लोगों को कोई दिखता है रात में। रास्ते में चलते समय मेरे को दिखा कि सामने में कोई खड़ा है रोड के बाजू में। इससे पहले कि मैं अपनी गाड़ी रोकता और उनसे पूछता कि क्या आपको कहीं जाना है, वो गायब हो गए। मेरे को समझ नहीं आया 2 सेकंड के लिए कि ये क्या हो रहा है। और बताइए। मैंने अपने गांव में छलावा की कहानी तो कई सुनी थी, लेकिन शायद ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक के सामने आया हूँ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे अपने रियर व्यू मिरर में दिखा कि कोई बैठा हुआ है मेरे पीछे, लेकिन उसके लंबे बालों के कारण उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। तो मैंने जैसे ही ब्रेक मारी और पीछे मुड़ा दोबारा उसको देखने के लिए, पीछे मेरे कोई भी नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लग गया था क्योंकि पहले से ही उस यात्री ने मुझे इस रास्ते के बारे में खबरदार किया था और शायद वो सच बोल रहा था। जरूर। अब आगे चलते चलते कई बार मुझे अपने राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द रोड में कोई आदमी दिखता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अब कि मैं अपनी गाड़ी रोकूं और पूछूं कि भाई आप कौन हो या मेरे से क्या चाहते। ऐसे ही चलते चलते मेरे को रास्ते में आगे दिखा एक ढाबा। ढाबे पे दो लोग अपना चटाई लगा के सो रहे थे सामने में। मैंने उनके पास में जाके अपनी गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरा, उनमें से एक की तरफ गया और उसको पूछा, भाई चाय वाय मिलेगी क्या? वो आदमी नींद से उठते हुए थोड़ा गुस्से में ही मेरे को देखा और सही में गुस्सा तो लगना ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो दुकान के अंदर गया। दुकान के अंदर से वो एक कप ऑफ चाय लेके आया। चाय पीते समय वो मेरे बगल में बैठ गया और हम दोनों ऐसे ही थोड़ी मोड़ी बातें कर रहे थे। इसी बीच मैंने उससे पूछा कि भाई ये सच है क्या कि ये रास्ते में भूत भूत दिखते हैं? तो उसने शांति से अपने मुंह पे उंगली रखते हुए मेरे को बोला, भाई ये सब बातें मत करो। और वो चुपचाप अपनी दुकान के अंदर वापस चला गया। जब वो वापस आया, वो एक धागा लेके आया, उसने उस धागा को मेरे हाथ में बांधा। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, मैंने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? उसने मुझे बोला, भाई ये आपकी रक्षा करेगी। अच्छा, तो मैं भी खुश खुश अपना चाय पिया, उसको पैसे दिए और मैं वहां से निकल लिया। लेकिन अजीब बात ये थी, जब मैं गाड़ी में बैठा, थोड़ा आगे बढ़ा और मैं अपने शीशे में देखा, मेरे को उस दुकान के सामने अब एक ही आदमी दिख रहा था जिससे मैं बात कर रहा था। तो वो कौन था जो मेरे को उतरते समय दिखा और जब तक मैं दुकान पे था तब भी वहां पे एक आदमी मुझे दिख रहा था? अब मैं कंफ्यूज था और बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन अब मेरे को सोचने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं जितना सोच रहा था उतना ही मुझे डर भी लग रहा था। ओके, अब ऐसा ही मैं गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। इसी बीच कई बार मुझे ऐसा एहसास होता था कि कोई मेरे गाड़ी की छत पे कूद रहा है बार बार।
लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उतरूं और देखूं कि ये कौन है। मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाया और दौड़ाता रहा और करीब सुबह 6 बजे मैं अपने गांव में पहुंचा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब कोई बोलता है कि इस घर में या इस रास्ते में या इस इलाके में मत जाओ, यहाँ भूत का प्रकोप है, तो उसकी बात को मजाक के तौर पे नहीं लेना होता है। कई बार हो सकता है वो झूठ भी बोल रहे हो, आपको डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो सच भी बोल रहे हो, और अगर वो बात सच निकली तो परेशान आप ही होने वाले। तो यही थी मेरी पर्सनल एक भूतिया एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।